हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है, इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल्स में से एक, मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन, 5 स्टेप एक्टिविटी बेस्ड मेथड, प्ले वे और एक्टिविटीज के जरिए तालीम दी जाती है, लड़कियों के लिए अलहदा फैसिलिटी, अब हैवी बैग्स उठाने की जरूरत नहीं, हर स्टूडेंट्स के लिए अलहदा लॉकर फैसिलिटी, लाइफ स्किल्स एजुकेशन के जरिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीचर्स के लिए लेसन प्लान्स लाजमी। हम नूरबानो है, ये जो हबीब था हमारे घर के पास रहता था, वो मम्मी को कितने के दिन से तंग कर रहा था, बहुत हरासमेंट कर रहा था, जान जाने में स्टॉक कर रहा था। एक कंप्लेंट दिए भी हम लोग हमारे नियर यहाँ पे पुलिस स्टेशन में, और दूसरी जगह भी तीन बार कंप्लेंट दिए, कि तीन बार भी केस फाइल करे मगर कुछ भी एक्शन नहीं लिए वहाँ पे। यहाँ हमारे मोहल्ले के जो भी थे लोग, बड़े लोगों को भी बोले पर फिर भी नहीं सुने लोग, कुछ भी ना हुआ। मम्मी मेरे दीदी के पास से जाके आ रहे थे, फिर भी ऐसा मर्डर केस कर दिए। चचेरे भाई और लोग हमें कुछ कर रहे थे, उन लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर केस फाइल हो गया, उन लोग को जेल में डालने वाले थे, ऐसा हुआ ये सब। आपके मम्मी की उम्र क्या रहती थी? 45 है। कितने बहन भाई आप लोग? हम लोग 4 बहन और 2 भाई हैं। इससे पहले कभी शिकायत करे आप लोग पुलिस स्टेशन में? 3 बार करे जाके। ऐसा क्या रिस्पांस मिला पुलिस? कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला, जब का जब लेके गए फिर छोड़ दिए। पापा क्या करते हैं आपके? पापा का इंतकाल हो गया। हाँ, केबल ऑपरेटर थे उन्होंने। कितने की बार बोले भी, मोहल्ले वाले भी रोकने की कोशिश करे पर आदमी रुक रहा ही नहीं था। मम्मी की कंडीशन बहुत सीरियस है, पूरा सर वही खुल गया, हाथ वही टूट गया, पूरा सत्तूर से मारे गए थे। नाम शेख हबीब नाम है उसको, शेख नसीरुद्दीन के नाम से जानते हो। उन्हें क्या करते काम? नहीं मालूम, बेकार नहीं मालूम, बेकार फिरता गया, औरतों के पीछे रहता। आपके वाला का नाम क्या है? नूर बानू। मस्जिद सालेन के पास शादी शुदा है? नहीं 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 है। उन्होंने मैरिड है? हाँ। उनकी एज क्या रहती? 48-50 होंगे। नहीं 30 होंगे, 30-32 होंगे। 30-32 साल होंगे। ठीक है, अल्लाह करता। तो जी, मेरा नाम सैयद एजाज मेहदी है, मैं बाबा नगर के बोला बैठ रहा हूँ। मैं कई दिन से हम लोग एक शख्स के कंप्लेंट लिखा रहे थे जिसका नाम है शेख हबीब के नाम से पहचानते हैं, उसका नाम शेख नसीरुद्दीन है आईडी के ऊपर। कई बार कंप्लेंट करा रहे हम लोग, कोई एक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर पुलिस वाले। अगर हम लोग लिखा के करके बात करने के बाद में भी हाँ हो गया जाओ, हो गया जाओ बोल के भेजते चले गए हम लोग को। बात की कंप्लेंट करा रहे हैं आप? जी साहब, खाली बिली हरासमेंट कर रहा हूँ, हमारी भावज को हरासमेंट कर रहा था, जिसका नाम नूरबानो है, जो आज उनका मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। इसके लिए अभी अवेसी हॉस्पिटल में है, सीरियस है। कितने दिन से चल रहा है ये? साल डेढ़ साल से चल रहा है। क्या वजह हो सकती? नहीं पता हमको। हरासमेंट की वजह से कर रहा हूँ? वजह 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 हरासमेंट कर रहा है, जबरदस्ती का हरासमेंट कर रहा है, पीछे जा रहा है। नहीं मालूम कि वो विंडो है, बेवा है? हाँ, उन्होंने तो बेवा है सर, बेवा है, दामादा वाले हैं। खाली बिली के हरासमेंट कर रहा है, उनके पीछे फिर रहा, उनको बोले तो रोके। बाबा नगर में रहता मस्जिद साले, इनके पास नहीं, वो कोई लीडरों के साथ रहता टी आर एस के, हमको नहीं मालूम। सुनने में आया सके कोई टी आर एस के लीडरों के साथ रहता हूँ बोल के मालूम हुआ। नहीं नहीं कोई एक्शन नहीं, हम लोग कंप्लेंट लिख दिए, बुक हो गया बोले भिजा दे रहे, बस हम लोग लिख दिए कर दी। नहीं लेके जाते 10 मिनट में छोड़ देते। अभी इस वक्त पकड़े नहीं मालूम, अभी कुछ नाम अभी मालूम नहीं, पकड़े गया नहीं गया अभी कुछ नहीं मालूम, कहाँ है इस वक्त नहीं मालूम। आप कौन हो? मैं किसको? लेडीज़ का कौन? मैं देवर हूँ जी। आपको पता नहीं है कि ये वजह क्या हो सकती है? नहीं नहीं मालूम। जब आपको सता रहा जो बोल रहे हैं आप क्या जी? कुछ हरासमेंट ऐसे सुनने में आया, हरासमेंट कर रहा है, पीछे जा रहा है, जैसा कि बोलते ना कुछ ऐसा। शादी हुआ ना? शादी हुई तो नहीं हुई उसकी, ऐसा कुछ ऐसा हरासमेंट कर रहा है, जैसा कि उनके भाई का इंतकाल हो गया, हो सकता है जैसा कैसे उनको पीछे पड़ा होगा, हो सकता है ऐसा कुछ दिख रहा मेरे को।